कांग्रेस प्रत्याशी मल्होत्रा बोले, बीजेपी वालों को जितनी एफआईआर करवानी है करवा ले, जनता सब समझ रही है। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए मुकेश मल्होत्रा जहां इस समय क्षेत्र में अधिक सक्रिय है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री कांग्रेस का दिग्गज नेता विजयपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी की जीत दर्ज करवाने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। इस बार दोनों ही दलों के बीच कांटेदार मुकाबला है। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमारी जीत से घबरा रही है, प्रत्याशी पर एफआईआर तक करवा रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुकेश जी, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं? लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, दोनों ही दल सक्रिय हैं, क्या जनता का रुझान नजर आ रहा है इस बार? जनता का बहुत अच्छा रुझान है, पूरा एक तरफा मतदान हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, जनता का भारी वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी चुनाव। बीजेपी लगातार दुष्प्रचार कर रही है कि केवल वो तो आदिवासी वोट बैंक के आधार पर टिकट दिए गए, आमजन साथ नहीं है। क्या आपको ऐसा लग रहा है आमजन साथ नहीं है आपके? आमजन बहुत लोग हमारे साथ में, 36 बिरादरी हैं, सात तो समाज के लोग हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं। आप देखो कार्यालय वही समा रहे हैं, विजयपुर में, कराल में, वीरपुर में, सब लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं क्षेत्र में। जनता का जनता उनका विरोध कर रही है कुछ समस्याओं को लेके, क्या उन जनता की समस्या आप विधायक बनने के बाद सुलझा पाओगे? हम पूरा कोशिश करेंगे और हर जो समस्या विधायक लेवल की रहेगी अगर जनता चुनती है तो उसका सबका समाधान किया जाएगा। आपने अभी देखा आप पर एक एफआईआर करवा दी गई है एक जुलूस को लेके, क्या लग रहा है ये प्रशासन का नजरिया किस तरह देखते हो आप? ये उनकी ऊंची मानसिकता है प्रशासन की, इनका जो क्रेज बढ़ रहा है तो इनको डाउन करो, लेकिन उससे हम पे और केस दर्ज करें, हम तो बोल रहे हैं उससे और हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी और लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, और केस दर्ज करें वो तो उनको करना है तो उससे और वोट बैंक बढ़ेगा हमारा तो। मुकेश जी, क्या माना है अभी मंत्री जी, जनता कह रही है कि मंत्री को चुनाव हरा के क्या फ़ायदा मिलेगा, मंत्री सरकार के हैं, क्या कहना चाहते हो इस बात पर जनता की? देखो मंत्री और मुख्यमंत्री अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं, उससे कोई नहीं है, जो विधायक होता है वो भी वही काम करता है और मंत्री होता है वो भी वही काम करता है, जबकि विपक्ष में रह के ज़्यादा काम होते हैं लोगों के।